रात में रास्ते चलती पैदल महिलाओं बालिकाओं के साथ बाइक सवार द्वारा छेड़खानी करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ने और उनसे चोरी किया हुआ सामान व अवैध शराब भी बरामद करने में सफलता हासिल की है। देखिए आलोट कस्बे में पिछले कुछ दिनों से रात्रि में कुछ संदिग्ध और आपत्तिजनक ऐसे व्यक्तियों के द्वारा घटनाएं कारित की जा रही थी, जिसमें आने जाने वाली महिलाएं जो शाम को अपने घरों से बाहर निकल के वॉक कर रही थी उनके साथ छेड़छाड़ की घटना ये लोग कर रहे थे। ऐसी शिकायतें हमारे पास आई जिस पर से हमने परसों इसमें 2354 की FIR भी करी छेड़खानी की। इसमें हमारी पूरी टीम थाना प्रभारी के सहित समस्त स्टाफ परसों से ही पूरे शहर के CCTV फुटेज देख करके इनको पकड़ने के प्रयास कर रहे थे। आज हमको दोपहर में सूचना मिली मुखबिर द्वारा कि दो व्यक्ति नागेश्वर से राजस्थान की तरफ से कुछ शराब लेकर के आ रहे हैं और ऐसी अवैध शराब की सूचना मिलने पर हमको ये विश्वसनीय खबर लगी तो हमने टीम भेजी और इन दोनों व्यक्तियों की मोटरसाइकिल पर से इनके साथ हमें लगभग 7 पेटी शराब प्राप्त हुई जो कि जिसके दस्तावेज हमें नहीं मिले अवैध थी, तो हमने पूछताछ करी इनको लेकर के आए। फिर इनसे और पूछताछ करने पर जो इसमें एक आरोपी है मुख्य आरोपी सुनील पिता मदनलाल चौहान ये विक्रमगढ़ निवासी है, इससे और पूछताछ करी इसके घर जाकर के चेक किया तो इसके घर से हमें 60 लीटर और कच्ची देशी शराब भी प्राप्त हुई जिस पर हमने 34-2 का भी प्रकरण दर्ज किया है। इन्हें थाने पर लाकर और पूछताछ करने पर हमने जो CCTV फुटेज पूरे शहर में से इकट्ठे किए थे उनसे मैच करने पर हमें पता चला कि यही वो दोनों आरोपी हैं जो शहर में पिछले कई दिनों से महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएँ कर रहे हैं। इनसे और पूछताछ करी हमने और जो इनके द्वारा बाइक का इस्तेमाल किया गया था छेड़खाने में वो बाइक भी हमने जब्त करी, उस बाइक के बाइक भी बिना नंबर की थी, उस पर पूछताछ करने पर हमको पता चला कि वो बाइक भी चोरी की है जो 2016 में यहीं के आलोक के बॉम्बे सेंट्रल से चोरी हुई थी, तो वो बाइक भी हमने जब्त करी है। जिस बाइक का इस्तेमाल इन्होंने 34-2 में किया था वो बाइक भी हमारे द्वारा जब्त की गई है। और पूछताछ करने पर हमें पता चला कि अभी 3-4 महीने पहले आलोट में एक और चोरी बाइक चोरी की घटना हुई थी, वो भी इन्हीं दोनों आरोपियों के द्वारा घटना कारित की गई थी, तो वो बाइक के भी हमें पार्ट्स जो दूसरा आरोपी है जिसका नाम है वाहिद पिता भूरे खां मुल्तानी इसके घर से हमें उस बाइक के भी पार्ट्स बरामद किए गए हैं। छेड़खाने की घटना या नगर में कब से कर रहे थे, इस प्रकार की भी आपके द्वारा कोई पूछताछ की गई होगी? पिछले कुछ महीनों से हमारे पास ऐसी शिकायतें आ रही थी जिसमें हमने पूरे प्रयास किए कि इनको पकड़ा जा सके लेकिन कुछ हमारे पास ऐसी लीड नहीं मिल पा रही थी, लेकिन पिछली जो घटना हुई थी वो थोड़ी सी बड़े स्तर पर हुई तो हम पूरी टीम के द्वारा पूरे शहर की CCTV फुटेज जो हमने देखे और इनका पीछा किया, इनके बारे में जो भी सूचनाएं मिली थी वो सर्कुलेट किया तो इसमें ये सफलता प्राप्त हुई। पहले इनसे जो अभी पूछताछ में मोटरसाइकिल चोरी में ये संलिप्त पाए गए हैं वो मोटरसाइकिल भी 2016 की चोरी वो भी बरामद की गई है और जो अभी जनवरी में इन्होंने मोटरसाइकिल चोरी उसके भी पार्ट्स बरामद किए हैं। कितने वाहन चोरी हुए मैडम जी और उसके बाद में अभी तक कितने जब्त किए गए आपके द्वारा और बाकी का क्या मामला है? अभी तक पूछताछ में 2 वाहन चोरी इनके द्वारा कुबूली गई है और दोनों वाहन एक वाहन पूरा और एक वाहन हमारे कुछ पार्ट्स हमारे द्वारा जब्त किए गए। आरोपियों के पकड़े जाने के बाद बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंचे थे। पुलिस की कार्रवाई देखने के बाद लोगों ने भारत माता की जय और पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगाए। आलोट से मृदुभाषी प्रदेश के लिए अंकित भंडारी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।